ओडिशा की युवती को नौकरी और शादी का झांसा देकर दो साल से युवक यौन शोषण कर रहा था। यह आरोप एसएसपी कार्यालय पहुंची युवती ने मगोर्रा के युवक पर लगाए और कार्यवाही की मांग की है। उड़ीसा की रहने वाली 25 वर्षीय युवती ने थाना मगोर्रा इलाके के नगलाबर के रहने वाले देवेंद्र नामक युवक पर शादी और नौकरी का झांसा देकर दो साल तक रेप करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि आज आरोपी देवेंद्र की लगन सगाई होने वाली है और 12 फरवरी को उसकी शादी होगी। शादी को रुकवाने के लिए पिछले 4-5 दिन से वह थाने और चौकियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। थाना मगोर्रा एसएचओ ने उसे बुलाकर बुरी तरह धमका दिया और कार्यवाही ना करने की बात कही। पीड़िता अपनी फरियाद लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के कार्यालय पहुंची, जहां पीड़िता ने एसपी ज्ञानेंद्र को आपबीती सुनाई। पीड़िता ने बताया कि जब उसे पता चला कि आरोपी देवेंद्र अब छुप कर अपनी शादी कर रहा है, तो वह राजस्थान से मथुरा पहुंच गई और थाना मगोर्रा थाने जाकर उसने अपनी फरियाद लगाई, लेकिन एसएचओ ने उसे फटकार लगाकर वहां से भगा दिया। थाने में न्याय न मिलने के बाद पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने कहा कि अगर आरोपी की शादी रोकते हुए कार्यवाही नहीं की गई, तो वह आत्मदाह कर लेगी। इस मामले में एसपी ज्ञानेंद्र कुमार ने कहा कि पूरे प्रकरण को संज्ञान में ले लिया गया है और तत्काल सीओ गोवर्धन को पूरे प्रकरण पर जांच कर सख्त कार्यवाही की बात कही है, लेकिन जिस तरह थाने चौकियों में पीड़ितों की सुनवाई नहीं हो रही, जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से पीड़ितों को न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। देखिए मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। सर, थाना मगोर्रा क्षेत्र में एक महिला द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया गया है, इस संबंध में बताएं सर। ये थाना क्षेत्र मगोर्रा जनपद मथुरा का प्रकरण है। कल दिनांक 9 फरवरी 2020 को समय करीब शाम को 4 बजे एक पीड़िता द्वारा, जो मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली है, उसके द्वारा फोन पे ये शिकायत दर्ज कराई गई कि थाना मगोर्रा क्षेत्र का रहने वाला एक लड़का, जिसके साथ विगत 2 वर्षों से वो रिलेशनशिप में थी, उसके द्वारा 5 जनवरी 2020 को लड़के द्वारा लड़की को अपने घर पे बुलाया गया और शादी का झांसा देकर के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। तो इस संबंध में पीड़िता को ये सुझाव दिया गया कि आप तत्काल थाने पहुंच के अपने लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराएं, लेकिन पीड़िता द्वारा अब तक जो है थाने में लिखित रूप से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। और ये तथ्य प्रकाश में आया है कि आज सुबह वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में पहुंचकर प्रस्तुत होकर के अपनी लिखित रूप से उसने अपनी कुछ शिकायत दी है, और अभी लगभग एक घंटे पूर्व ही हम लोगों की भी पीड़िता से फोन से जरिए बात हुई है। तो उसने वो आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही थाना मगोर्रा पहुंच करके अपनी लिखित रूप से अपनी शिकायत को दर्ज कराएगी। घटना की जांच करने पे जो प्रथम दृष्टया तथ्य सामने आया है कि 5 जनवरी की घटना जो ये लड़की द्वारा बताई जा रही है, उस दिन जो लड़की है और जिस लड़के के ऊपर ये आरोप लगा रही है, दोनों का लोकेशन राजस्थान में नीमराना नामक स्थान पे पाया जा रहा है। साथ ही इस लड़की द्वारा नीमराना थाना क्षेत्र अंतर्गत 26 दिसंबर को इसी लड़के के खिलाफ भी एक मुकदमा 376 और अन्य आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत कराया गया था, जिसपे राजस्थान की पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट लगाई गई है। तो पीड़िता द्वारा ये कहना है कि मेरी शिकायत वहां से सही से नहीं सुनी गई है। तो इन्हीं तथ्यों के आलोक में हम लोग पुनः जो पीड़िता है उससे हम लोग संपर्क बना रहे हैं, और जो भी लिखित रूप से उसकी शिकायत हम लोगों को प्राप्त होगी, इसके आधार पे जो वैधानिक कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जाएगी। ये आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में एक युवती आई थी, उसने मगोर्रा के एक लड़के पर आरोप लगाया कि शादी का झांसा दे करके उसके द्वारा वैध संबंध बनाए गए। इस पे इंस्पेक्टर मगोर्रा और सीओ गोवर्धन से बात की गई, बात करके और उनको निर्देशित किया गया कि लड़की जो भी आरोप लगा रही है उस पर तथ्यात्मक जांच करके तत्काल कार्रवाई करें। इसमें पहले महिला द्वारा क्यों नहीं सुना गया महिला को, जो आपको आना पड़ा उसे? नहीं, अभी जो सीओ गोवर्धन से बात हुई थी, उनका कहना था कि कल 5 बजे लड़की ने उनको फ़ोन किया था, तो सीओ गोवर्धन ने कहा कि मैं थाने पहुँच रहा हूँ, आप भी आ जाओ। तो खुद सीओ गोवर्धन थाने पर पहुंच गए थे, लेकिन ये लड़की वहाँ नहीं जा पाई। जो भी हुआ, उसको साधन नहीं मिल पाया होगा, हो सकता है। सुबह फिर 7 बजे के लगभग थानाध्यक्ष ने कॉल किया, फिर 9 बजे थानाध्यक्ष ने कॉल किया,
ये लड़की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय पर आ गई थी, अब इसको यहाँ पे सुन करके फिर वहाँ भेजा गया। 12 तारीख की लड़की की शादी है, उसके मामले में क्या करना चाहिए? अभी वहाँ पर ही आज जाएंगे, और अगर शादी वो अलग विषय है, अगर इनके साथ कोई घटना हुई है तो वो घटना की कार्रवाई अलग से की जाएगी। सर मैं उड़ीसा से हूँ, और सर मैं यहाँ पर कई दिनों से 10-12 दिन से सर मैं यहाँ पर चक्कर लगा रही हूँ। मेरा 2 साल से मेरे साथ में रेप कर रहा है एक लड़का, उसको वो नगलावर का है, सौंक का लड़का है, उसका नाम देवेंद्र है, देवेंद्र सिंह है, सन ऑफ राजवीर का बेटा है। और सर वो उसका आज सर लगन टीका आने वाला है पेंगौर दांदू गाँव से, और सर जैसे भी करके सर उसका शादी जैसा रोकना चाहिए सर। 12 फरवरी को सर उसका शादी है, और सर 5 जनवरी को उसने मेरे को ला के भी यहाँ पर मतलब मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया है, और 27 तारीख को वो मेरे को झूठा शादी का झांसा दे के लेके आया पेट्रोल टैंकी के यहाँ पे, और सर मेरे को उसकी बहन और उसके पापा गाड़ी में थे, मेरे को लेके गए, और सर मेरे को डराया धमकाया, अगर तू मेरे शादी रोकने का कोशिश की तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तेरी माँ को भी जान से मार दूंगा। सर मेरा जैसे भी करके थोड़ा सा हेल्प करिए। आप कैसे संपर्क में आए उनके, कैसे आपकी जान पहचान हुई? सर मेरे को नौकरी का बहाना में वो लेके आया था, नौकरी लगवा दूंगा बोल के, तो वहाँ पर सर राजस्थान में सर मैं नौकरी करती थी, और वो भी वहाँ पर नौकरी करता था, और सर वो भी हमारे साथ ही सर रहता था, और हम उनके घर भी गए थे, मैं उनके घर भी आई थी, और मेरे घर वाले भी उनके घर आए थे, और हम दोनों का शादी भी फिक्स्ड था, उसके घर वाले खुद बोले थे शादी के लिए, और यहाँ तक कि मेरे को सर दहेज फहेज के लिए बहुत बार उसके घर वाले भी बोले थे, और जैसे हम बोले कि दहेज वहेज नहीं देंगे, 2019 में नहीं तो 20 में शादी करेंगे, तो उसने बिना बोल के कोई दूसरी लड़की के साथ में सगाई कर लिया। मेरे को अक्टूबर 3 तारीख को कोई गांव वालों के ज़रिए मेरे को पता चला था, और मेरे को उसके घर वाले सबको ही मेरे को झूठ बोलते आ रहे कि सगाई उगाई कुछ भी नहीं हुआ है, शादी नहीं है, फिर भी शादी सगाई होने के बाद भी मेरे को आश्वासन देता रहा कि मैं तेरे से शादी करूँगा, मैं तेरे से कानूनी सर एक बार मेरा सर उसके साथ में शादी हुआ है, लेकिन सर मैंने दुनिया वालों के सामने में नहीं हुआ है, ऐसे ही सर एक बार मेरा उसके साथ शादी हो चुका है। आप पुलिस से मिली हैं, पुलिस को इसके बारे में? सर मैं यहाँ पर कप्तान सर के पास में 2 बार आ चुकी हूँ, 2 बार मैंने एप्लीकेशन दिया है उनको, लेकिन उन्होंने मेरा एप्लीकेशन खाली पढ़ा, पढ़ के कुछ भी कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया, यहाँ तक कि उनके पास में जो एक सर थे पुलिस सर, वो तुरंत SHO मगोरा थाने में फ़ोन कर दिए कि ऐसा कोई लड़की का केस है। मैं तुरंत सर 28 तारीख को मैं SHO के पास गई थी, और मैंने फ़ोन भी किया था, बहुत बार मैंने एप्लीकेशन भी दिया है मगोरा थाने में, लेकिन मेरा कोई भी सुनवाई अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तक कि मैं 28 तारीख को मैं खुद गई थी मगोरा थाने SHO से मिलने, तो वो मेरे को धमकाए चमकाए इस तरह से, और मेरा कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ, और मेरे को बोला गया कि मैं तुम्हारा CDR निकालूंगा 5 तारीख का वारदात का, और उनका सपोर्ट पूरा किया गया। दूसरा दिन मेरे को SHO ने फ़ोन किया कि वहाँ से कोई आदमी लोगों आए हैं, गांव वाले आए हैं, और तुम्हारा पक्ष में कोई अगर आना चाहता है तो यहाँ पर आ सकते हैं बोल के, तो मैंने बोला मेरे को गांव वाले से बात नहीं करना, यहाँ तक कि वो लड़का खुद पेश नहीं हो रहा है, खुद फरार है 3 दिन से वहाँ पे। तो सर अभी मेरे को जैसे भी करके थोड़ा सा हेल्प जैसे किया जाए। मैंने कल CM सर को फ़ोन किया था, उसके बाद मैंने CO सर को मैंने फ़ोन किया था कि सर मेरा कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है, मगोरा थाने में फ़ोन करने से धमका के खाली उनका सपोर्ट किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जैसे पैसा खाया उनसे, और मेरे को चमका के कुछ भी बोलने से फ़ोन काट दे रहे, कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है वहाँ से मेरा। मेरे को सर अगर इंसाफ यहाँ पर मेरे को नहीं मिला तो मैं अपना जान दे दूँगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।